हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। और गाइस, आज है सावन का 6th डे और खुशी यहाँ पे आ चुकी है मेरे पास। भाई खुशी आई थी कल और खुशी का मन नहीं लगा, इसलिए 2 दिन के लिए रुकने के लिए आई है। और गाइस, आज मैंने पहना है इतना प्रीटी सा बहुत सुंदर सूट। और गाइस, सावन के 2 मंथ है अब की बार, तो 2 मंथ मेरा फास्ट रहेगा। 6th डे है, 5 डे मैंने व्लॉग नहीं शूट किया कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो आज से हम कंटिन्यू व्लॉग शूट करेंगे। मैंने यहाँ पे पूजा का सभी सामान तैयार कर लिया, अभी हम चलेंगे मंदिर में। और घर पे मैंने पूजा कर दिया है और खुशी भी मेरे साथ ही उठकर नहा लिया है। हेलो खुशी। तो वैसे अभी हम जा रहे हैं सब मंदिर। वैसे आपको भी यदि ऐसा सूट लेना हो और ऐसा स्टिच करवाना हो तो वो खुद ही स्टिच करके देते हैं। ये मुझे फौजी क्लॉथ हाउस से रिसीव हुआ है। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, वो खुद ही स्टिच करके देते हैं, तो आप भी करवा सकते हैं। और फौजी क्लॉथ हाउस के नाम से इंस्टा पर ID मेंशन मिलेगी वीडियो के नीचे। तो गाइस, अभी मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए, तो फिर दिखाते हैं। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। एंड गाइस, मम्मी मेरे आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे रह गई, तो अभी हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर रास्ते में। इतना हम चलते हैं, मम्मी देख लेंगे। विषामृत पे था छिड़ा।
का तूने खुद पिया पता नहीं कब तक होंगे ना खुशी। कोई बोलता है लहरी, कोई बोलता है खुशी, कोई बोलता है कच्चों की लहरी, पता नहीं क्या क्या। मम्मी वैसे घर आने के बाद मैंने गोली को उठा उठा के नहला के राहुल भी रेडी हो चुका था और अब हम कहीं पे जा रहे हैं गाइस। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, गोली की है थोड़ी तबीयत डाउन। वैसे तो काजल लगा के आया है गोली तो गाइस गोली को दिखाने के लिए जा रहे हैं हम। तो अभी हम निकले हैं घर से और बारिश आ रही है छम छम छम, देखते हैं ठीक है गोली। और गाइस ये गोली इतनी मिट्टी खाता है, इतनी मिट्टी खाता है, मतलब मैं बस क्या बताऊं। गाइस हम रुके हैं यहाँ पे ऋषि बेकरी पे, दवाई हमने ले ली है और अब अंदर दिखाते हैं। आए ना
घर से चले जाओ तो बारिश थी, लेकिन फिर बंद हो गई थी और अब बहुत तेज बारिश आ गई है। और हमने ले लिया ढेर सारा सामान हरीश बेकरी से, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं भाई, बच्चे खा लेंगे। और दवाई भी ले ली है हमने, और अब हम जा रहे हैं घर वापस। और गोली भी बारिश में देखो इतना सा भीग गया, दिखाओ गोली। हेलो करो गोली, जय कर दो, चलो जय कर दो, जय भाई जय। सब भाई मेरी गोली की राम राम ले लियो। भाई अभी इसको नमस्ते करने नहीं आती, हेलो भी नहीं आती, तो इसको बस यही आता है, छोटा है अभी। हाँ जी भाई, बहुत तगड़ी बारिश आ रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखो कैसे बारिश आ रही है, पकड़ ले भाई, गोली को पकड़ना पड़ेगा गाइस। मैं रुक गया, मेरा ना कुछ सामान रह गया था घर पे, तो घर तो आपको पता ही है मेरा इतनी पास में है। और ना राहुल हमें ना क्रिशो से मिलाने के लिए अंदर लेके जा रहा था, लेकिन निक्की यहीं लेके आ गई। हेलो निक्की। हेलो गीकी। गीकी कितना खुश होगा मेरे को देख के, देख देख कितना खुश। गीकी मेरे साथ चला जा भाई, गीकी को इसमें वो आते रे साड़ी भी ले आई मैं, ब्लाउज और ये बात सही है, संभाल के रखे थे। आ जा गीकी सुन, देखो गाइस मेरे पास आ रहा, मेरे पास रुकेगा दो तीन दिन, नीचे निकला, बाय कर दे मम्मी पापा को, बाय कर दे, फिर अपने आप ले आऊंगे तेरे, चल दे गली, बाय देख कर जाओ, बाय कर देना, बाय बाय। गाड़ी गाड़ी चले थोड़ी सी, चल इधर आने के लिए भी नहीं रह रहा था भाई, गोली को कोई मतलब नहीं है, कोई ना यो रोया ना यो कुछ नहीं करा, इसे जाऊंगा मैं, यूं कह रही हूं ना कि ना रे ए आजा 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 भाई सुनो, आजा डॉक्टर का जब भी मैंने ना छोड़ का ही देख लो गाइस, ये अपने बच्चे को नहीं छोड़ के जा रही है हमारे पास, हम के इसको परेशान कर रहे हैं, और बच्चा आने के लिए तैयार है बिल्कुल अपनी मौसी के साथ। गोली जाओगे? घूमने के लिए खुश रहा है, जाने के लिए, चलो बाय बाय, चल ठीक है, बाय कर। सुन ये भी डाल आई हो, और जल्दी जल्दी सिलवा दियो सारे भी, और कोई भी आए तो मेरे सूट भेज देना साइकिल वाले, बाय 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 सबको, बाय बाय। तो गाइस मैंने अपने सूट ले लिए, वहां से तो नहीं लिए, रास्ते में से मैं सूट ले ली थी, वापस सीवर का पानी इतना भरा हुआ था, मैं वापस बग गई ही, और अपने रास्ते से सूट लिए हैं, अब हम जा रहे हैं घर। मामी आप आ गए भाई को दवाई दिला के, मैंने तो देखा आप बहुत सारा सामान लाए हो, तुम्हारे लिए बहुत सारे घेवर लोटो चोको पाई पता नहीं क्या क्या लेके आए, जो जो मुझे दिखा। क्या बना रहे हो आप ये इतने सारे कार्ड के? हाँ, क्या क्या रखा है? ये टॉपिक की बात बोली खुशी तूने, अब मैं बना रही हूँ आज अचार, तो मैं आज ना आपको ऐसे वाला अचार। किस चीज का अचार? ये मिर्च और कच्ची आम भी होती है ना, वैसे मेरी पक चुकी है आधे से ज्यादा, बाहर से दिखने में कच्ची थी गाइस लेकिन पक चुकी है, तो ये हमने ऐसे काटा है जो कि हमारी मम्मी ने काटा है, अब तक हाथों में से ऐसे, मम्मी बताएगी क्या हो रहा है, जलन खत्म हो गई, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही। और मैं आई ना तो मम्मी ने पूरी काट के रख रखा था, तो गाइस हम इसको बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने लिया है इसमें मेथी और राई और मोटा धनिया होता है ना, और येलो राई और ये कुछ मसाले, और गाइस देखो मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारे मसाले हैं, और इसके अंदर मैंने सब कुछ मिक्स करके पीस दिया जितने मसाले थे। ओके तो अब अभी हम इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने इसके अंदर दो तीन चीजें ली है, ये मामी की सीक्रेट रेसिपी है, पर ये सीक्रेट अभी सीक्रेट रेसिपी नहीं रही, नहीं रही, क्योंकि ये राहुल है ना, और कोई भी अचार नहीं खाते, ये वाला हमेशा खाते हैं, और ये मेरा भी फेवरेट है, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। पहले इसमें मैं डाल देती हूँ बिल्कुल, इसको गर्म होने के बाद हमें इसको बंद कर देते हैं, मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दिया, और इसको थोड़ा सा तिलकने देते हैं, उसके बाद ये डालेंगे। बंद क्यों करते हैं गैस? जिससे कि ये मसाला जले नहीं, ये इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि मसाला जले नहीं, दो मिनट के लिए बंद। गैस मामी ने दो मिनट के लिए बंद कर दिया क्योंकि मसाला जले नहीं है ना। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हम इतने डर गए भाई, हमने इतनी रस लिया के पहले ही नहीं रख दिया, हम नहीं काटेंगे। मम्मी कह रही है अब आज के बाद मैं ये वाली मिर्च कभी नहीं काटूंगी, और इसमें थोड़ी कलर के लिए लाल मिर्च, वैसे तो बहुत सारी मिर्च है इसमें, बिल्कुल कलर आ जाएगा सुंदर सा, उसके लिए लाल मिर्च, और नमक डालेंगे हम बाद में। गाइस मिर्च इसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगी है,
मिर्ची नहीं, बहुत टेस्टी बनता है खट्टा मीठा, लेकिन मिर्ची इसमें ज़्यादा होती है हाँ हमेशा से, क्योंकि इसमें हमेशा तीखी वाली मिर्ची यूज़ की जाती है, लेकिन मिर्ची ज़्यादा क्यों नहीं लगती, इसके साथ इतना सारा खट्टापन होता है तो कम लगती है। और ऐसे देखो इसमें कितना सुंदर कलर आएगा, इस कितना सुंदर कलर आएगा इस, क्योंकि इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, कलर वाली रेड मिर्च। रेड मिर्च कौन सी वाली, खड़ी वाली? नहीं पाउडर, पाउडर। और अब मैंने इसको थोड़ा सा भूनूंगी, अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया गैस की, गाइस फ्लेम मामी ने ऑन कर दिया, अभी हम ऐसे नहीं डाल। कौन सा चार है ये? कच्चे आम का चार है ना, पर वो पक चुका है, उसमें से आधे से ज्यादा रस निकल चुका है। और गाइस सीरियसली आप खुद बना के खा के देखना, आप भी बोलो कि दीदी इतना टेस्टी था, रियल में बहुत टेस्टी बनता है। तो गाइस इसको ज्यादा भूनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जल जाएगा फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो अब उसके बाद हम डाल देते हैं मिर्च। गाइस बहुत गंदी स्मेल आ रही है मिर्ची की, है ना जी। मिर्ची को ऐसे करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम नमक, जो कि मिर्ची जल्दी से गल जाए। गाइस गल जाए, ओके। और नमक डालेंगे हम ज़्यादा, क्योंकि मिर्ची है बहुत ज़्यादा, और जो ये कच्ची आम भी है उसके लिए भी नमक ज़्यादा जरूरी होता है, और मिर्च के लिए भी। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। मामी ने दो क्या कहते हैं चम्मच, टू एंड हाफ डाला है अपनी तरफ से, टू एंड हाफ डाल दिया है। और अब हम इसे पकने देंगे, ऐसे पका दो भाई। मामी कहती है कि ये घर तो कोई भी अचार नहीं खाता, पर ये वाले सब खाते हैं, क्योंकि ये सबका फेवरेट है और ये मेरा भी फेवरेट है, मामी ऐसे बोलती है। तो मतलब कुछ तो होगा, एक बार बना के तो देखना ही चाहिए आपको, न्यू न्यू चीज। नहीं मैं जब भी गर्मी आती है मैं और कच्ची आम भी आती है, तो मैं ये हमेशा बनाती हूँ, ऐसा हमेशा बनाती हूँ मामी। अब इसको हम ढक के, नमक मैंने डाल दिया है, उसको पकने देंगे। आप अपने मतलब जैसे थोड़ा कम नमक खाते हो ज़्यादा, मैगी कोई भी तेल डाल सकते हैं, तो नहीं सरसों का तेल ही अगर आपके। तो वैसे जब तक ये थोड़ी ऐसे पक रही है तब तक हम करेंगे अपनी थोड़ी सी पूजा की तैयारी, क्योंकि शाम हो चुकी है और मैंने पूजा करनी है, क्योंकि मेरे पास चले हुए हैं आपको लोगों को पता है, तो मैं भी हाथ में धो के आती हूँ फिर पूजा की तैयारी करते हैं, ठीक है खुशी। चलो तो वैसे मैं जा रही थी पूजा करने, तो मम्मी बोली भाई मैं नहीं पाती यार ये मिर्ची, तो भाई एक बार मम्मी क्या ना थोड़ा ये काट के चले जाती, क्योंकि प्याज का तो कुछ बनाना नहीं है, तो मम्मी बनाएगी मेरे लिए घिया की सब्जी, तो क्योंकि मामी का है वर्क सावन का, तो इसीलिए मैं काट देती हूँ टमाटो। तो अच्छा है ना, तब तक मेरा चार भी बन जाएगा, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहेगी जलेगी का या नहीं जलेगा, पूजा की तैयारी करते करते जल भी सकता है। तो वैसे मैंने एक बार पहले भी पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ या ओनली डांस वीडियो शूट करूँ। देखो वैसे मैं डांस वीडियो शूट करने के लिए रेडी हूँ, मुझे भी बहुत शौक है डांस का, बट कॉपीराइट आता है आप लोगों को भी पता है, तो मैं फुल वीडियो तो नहीं डाल सकती। कभी सत्संग वगैरह में जाते हैं या अपने घर पर कुछ कीर्तन वगैरह होते हैं उसका तो हम डाल सकते हैं, अगर हम नहीं डाल सकते तो यदि आपको कोई भी आप बताओ मैं किस टाइप का टॉपिक डालूँ या आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट टॉपिक, तो यार कुछ ना कुछ मैं उसके लिए नया चैनल खोलेंगे, तो कमेंट में बताइए करो यार, ठीक है। और अभी हम दिखाएंगे अचार की फाइनल तो नहीं, मिर्ची का अचार है खट्टा मीठा आम का और तीखी मिर्ची का अचार, ऐसा पूछ रहा है क्या है इसका नाम है। गाइस बाहर से इतनी आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि गाइस बाहर आ रही है इतनी तेज बारिश, गाइस बारिश रुक नहीं रही है, धीरे आ रही है कभी तेज आ रही है ना मामी, पूरा सावन आ रखा है ना, सावन आ रखा है इस वजह से बारिश आई है पूरे दो महीने। बस कॉपीराइट आ जाएगा, बट मेरी वॉइस में नहीं आई क्योंकि मैं कोई काम तो करती नहीं है। नहीं भाई खुशी तब भी आती है ना, इतना काम करती है मेरा बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरा मन लग जाता है, मैं खुश होती, मुझे भी एक बेटी होनी चाहिए थी। अभी मैं खुशी को अपने घर रख नहीं सकती क्योंकि निशा दीदी देगी नहीं मुझे, क्योंकि वो भी तभी से ज़्यादा प्यार खुशी को करती है, और मैं भी ग्रीक से ज़्यादा प्यार खुशी को करती हूँ, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम। मैं देख रहे हो चर्चे आजकल मेरे चर्चे होते हैं, अपने चर्चों में बता दो तो आज आपके साथ क्या होने वाला है। आज मेरे दो दाग निकलने वाला है। भाई जो जिस जिसके बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं ना उनके साथ ऐसे ही होता है। आज मेरी बेटी के दो दाग निकलेंगे।
और खुशी जाएगी कुछ देर बाद अपने दांत निकलवाने के लिए। तो गाइस मैं का चिढ़ाना मत कोई, क्योंकि गाइस मेरे दो दांत पहले ही निकल चुके हैं। तो खुशी को इतना डर नहीं है, क्योंकि गाइस पहली बार निकालते तो खौफ रहा था ना, भाई दांत निकल रहे हैं, पर मैंने निकलवा चुके हैं, इतना डर नहीं होता। मैं सोच रही हूँ तब तक अचार बन रहा है तो आटा भी गूंद ही देती हूँ, सब्जी फिर मम्मी बना दो। अच्छा, दिमाग लगा रही हूं। एक तीर से दो निशाने, थोड़ी एक तीर से तीन निशाने, एक दो तीन। ओले आगे दिखाना। गाइस ओले आने लग गए हैं, गैस देखो, गैस ओले आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहे ना हो या ना हो, पर गैस ओले आ रहे हैं। ओले आ जाओ, ओले आ जाओ, गैस सब गा रहे गाना। एंड गैस चलो चलते हैं, बार माँ जी ने बहुत तेज चिल्लाई, ओले आ गए, ओले आ गए। अब देखेंगे दोबारा दोबारा ओले आए थे क्या? हाँ थोड़े बहुत आए थे, गाइस को दिखे नहीं रहते, कैमरे में दिखते नहीं है ना। हाँ मतलब ज्यादा वाले नहीं है ना जो दिखे, गाइस ऐसे नहीं आए, पर आए थे इतने 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 आए थे, दो तीन ऐसे। चलो शुक्र है ज्यादा नहीं आए, नहीं तो फटम फट फट हो जाते है ना, फिर भी लोग कैसे बना पाते, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है ना गाइस। एंड गाइस देख सकते हो ये बिल्कुल पक चुके हैं। वैसे मैं कच्ची की बनाती हूँ, लेकिन अब के बाद ना दो दिन नहीं बनाया तो पक गएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इनके रस भी गर्मी ज्यादा ना तो जल्दी पक जाते हैं। और आटे को बीच में ही रोक कर हम एक बार अपना अचार देख लेते हैं, अचार देखते हैं और गाइस आपको भी दिखाते हैं। गाइस थोड़ी हाइट छोटी रहेगी ना इस वजह से, भाई वो बिल्कुल बहुत अच्छे से पक चुके हैं, ऐसे करके देख सकते हो आप दबा के। ऐसे दबाने आपको और फिर दबा के आपको लगे कि हाँ भाई बिल्कुल वो गल चुके हैं, तो आप कर सकते हो ना मामी। और देखो इसमें ना काफी देर से वो कर रखा था ना, इसमें पानी आ गया, तो इस पानी को पहले हम निकाल देंगे। चलो अब मान, तो गैस मैंने इसमें मिक्स कर दिया कच्ची आम भी, जो कि मैंने कस के कद्दूकस कर ली थी, और अब इसमें मिक्स कर दिया और इसमें इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर। हाँ तो निशा दीदी दांत निकलवाने जा रहे हो खुशी का? अपने नहीं। मम्मी आपने क्या क्या करा जब मैं चले गई, आप कितने सारे कपड़े क्या करोगे अब इनको प्रेस? पता क्या हुआ, बारिश नहीं आ रही, सूखे ही नहीं रहे, सूखे नहीं रहे, और मेरे दो तीन दिन के कपड़े हो गए इकट्ठे, और मैं परेशान हो गई। और मैं पीछे, चलो हमारे यहाँ पे ये बैल्कनी से है, इसके अंदर मैं तार डाल के सुखा देती हूँ, और कुछ इधर उधर गिर देती हूँ, फैन है यहाँ पे दो दो पीछे, तो मैं यहाँ पे सुखा देती हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है। इधर से मेरा बाहर का व्यू दिखता है, उधर मेरे सोफे वगैरह रख रखे हैं, थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई इधर से हमारी बैल्कनी दिखती है। देखो तो गाइस अभी मैंने अपना ओन टूर नहीं दिया ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा दूँगा। तो गाइस देखो कितने सारे कपड़े हो रखे हैं। खुशी आपके जाने के बाद मैंने पूजा की कर ली, और शनि मंदिर चलना है ना, तो उसकी पूरी सामान तैयार करके रख लिया, लेकिन अभी वो नहीं हुआ ना, मतलब थोड़ा सा अंधेरा सा चाहिए ना शनि मंदिर जाने के लिए, तो मैंने सोचा जब तक मैं प्रेस कर देती हूँ। तो वैसे भी मैंने कल के लिए जो सूट पहना वो भी रेडी करके रख लिया प्रेस के लिए, और ये मैं पापा के और सबके जो जो सूखे हुए हैं ना उनको प्रेस कर लेती हूँ, फिर मंदिर चलेंगे। ओके जब तक आप खेल लो। ओके आपके दांत नहीं निकले क्या? क्यों क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो आप खुश हैं? नहीं नहीं। क्यों? मैं सोच रही थी कल आराम मिल जाता और सारा काम हो जाता, पर और फिर आपको स्कूल भी तो जाना है। चलो कोई नहीं। तो गाइस मैं तो कर रही हूँ यहाँ पे प्रेस, और उधर देखो क्या हो रहा है। भाई अब देखते हैं इसकी फाइनल लुक क्या आने वाली है। ओके हम वेट कर रहे हैं, तब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ अपनी। तो वैसे मैं आई हूँ शाम को शनि मंदिर, और मेरे साथ आए हैं सारे बच्चे, शिवम अंश राघव सारे के सारे। तो अभी हम करेंगे पूजा। Yeah.
इस मंदिर से आ चुके हैं घर और मैं गई बिल्कुल थक यार, बुरा हाल हो गया। अरे खुशी आ गई भाई, क्या हुआ खुशी? मेरा हाथ निकल गया। निकल गया, दिखा। एक निकला है अभी? एक ही निकला था, मुझे लगा दो निकलना क्योंकि वो वाले इधर गया पे ये दोनों ऐसे निकलेंगे ऐसे बोल रही। दांत उन्होंने अपने आप रख लिया? इतने दिन पाला पलोसा था उसको तो ले आती कुछ ही ले भाई। बच्चों की मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी, तो इस व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।